वेलकम बैक, दिस इज़ फनी डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, यहाँ भी ठीक है। और यहाँ पे शकील जो है, हम सब उठ चुके हैं, मतलब मैं और शकील उठ चुके हैं, रयान भी उठ चुके हैं। यहाँ पे शकील जाने की तैयारी कर रहे हैं घर से। चले जी, हो गई आपकी बैटरी वोटी साफ कर ली। चले ये लंच लेके जाते हैं साथ में, दोपहर में वही खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग इतनी लंबी है। इसलिए वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं उस कमरे में, बाहर देखते हैं, पहले शकील को देखते हैं। वहाँ देखो कौवे, बादल तो रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। कल परसों तीन चार दिन से बादल आ ही रहे हैं, पर मौसम बड़ा गर्म है। पानी डाला है यहाँ पर, बस ये देखना ही थी, पानी डाला नहीं डाला इसमें। पौधों को भी पानी डालना होता है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा पाता, इसकी वजह से कि मैं पौधों को पानी सही से डाल दूँ, यहीं से मुझे दूर से डालना होता है। नीचे ये देख ऐसे ऐसे करके बस डाल देती हूँ, हल्का हल्का सा चला जाता है पौधों में पानी, अंदर पता नहीं जाता ही नहीं जाता। यार ले तो पौधा पूरा जल गया है, पतले पतले हो गए पत्ते, मगर अभी मैंने यहाँ से दूसरा वाले दो रखे हुए थे ना, तो दूसरा वाला मैंने वहाँ रखा, उसके पत्ते अच्छे हो गए। माटी चल रहा है, धूप में जल भी रहा है ना, ख़राब भी हो गया सारा। ये पौधा अभी भी फंस सकता है, पता कि ये जो है ना जल गया है बेचारा धूप की वजह से। पानी में इसमें इस तरह डाल देती हूँ, यहाँ से एक मैंने हटा के उधर रख दिया, तो वो थोड़ा बेहतर हो गया। इसकी वजह से पानी डालने में थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी रख दी गई है। ये तो देखें लकड़ी है, ख़राब ना हो जाए पानी की वजह से, इसको भी देखते हैं क्या करते हैं। लकड़ी है, फूल जाएगी पानी डालेगा तो, फिर एसी का पानी भी गिरता है। फिलहाल चले बच्चों की तरफ, देखते हैं बच्चों को। किचन का गेट बंद कर दूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा देर लेटूंगी, बच्चों को लिटाऊंगी। रयान उठे हुए आज उठे हुए रयान, तो बस इनको भी लिटाऊंगी या फिर इनको होमवर्क कराने बिठाऊंगी, वरना तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे तंग करते रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे। डर फिकर लग रही थी मुझे, मैं कमरे में होती हूँ, छुट्टी लगती है बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं। गेटली में खड़ा हो जाता है, गेटली में खड़ा हो जाएगा तो इस बात का डर रहता है कि बाहर ना लटके, बस इनका या फिर जा रहे हैं ना इन लोगों की चौकीदारियाँ करते हो। चलिए जी चलते हैं कमरे में, बैठे हुए भैया मेरे भाई ये सो रही। चलो भैया पढ़ना है पढ़ो, वरना सोना है सो। अच्छा जी गाइस, ये दोनों उठ चुके हैं। यहाँ पे रयान अपना ट्यूशन स्कूल का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे उम्र भी उड़ गई हैं, बगैर नाश्ता किए मुँह हाथ धोया। ये भी उन्होंने देखा रयान पढ़ रहा, तो ये भी पढ़ने बैठ गई हैं। कलर करती और तुम्हें क्या कर रही हैं, इनको कलर करने का बहुत शौक है, तो तुम क्या क्या बनाती रहती हैं, कलर करती रहती हैं, नंगी बैठी बुरी बात होती है। उम्र नंगी नहीं रहते हर वक्त, शर्ट पहनो चलो। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे बच्चे उठ चुके हैं, नाश्ता दोबारा मतलब खाना वाना खा लिया है, नाश्ता सुबह कर चुके हैं, उनको मैंने पढ़ा के लिखा के थोड़ी देर सुला दिया था, सो के बहुत देर पहले सो के उठ चुके हैं, खाना वाना खा के अब खेल कूद में लगे हुए। और रयान भी जा रहे हैं हमारे ट्यूशन, लेकिन ट्यूशन में आज इनको ये वाले कपड़े में ये पहनाऊँगी। और दरअसल रयान की आज ट्यूशन में है पार्टी, तो पार्टी की तैयारी में लगे हुए। रयान अभी गए फ्रेश होने, रयान को भेजा मैंने बाहर, देखते हैं मौसम, आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। अभी तो धूप निकली हुई थी, अब देखेंगे, थोड़ी देर पहले धूप आई हुई थी। रयान कहाँ गए, नहाने गए हो? रयान सही है सही है सही, मैं आ रही हूँ ज़रा एक मिनट। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं धूप और निकली हुई थी, और अब आ गए बादल, बादल आने शुरू हो गए, मौसम चेंज हो जाता है अचानक। आ रही हूँ, रयान आवाज़ दे रहे हैं मुझे जी। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर रयान तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं ट्यूशन अपनी पार्टी में, और बर्तन आके लेके जाओगे। अल्लाह हाफिज, पाँच बज गए जाओ, खैर रेडी हो गई है। उम्र का कहाँ जा रही हो? अम्मी के साथ जा रही हो घूमने कहीं, जाओ अब जाओ, अहमद मामू नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, जाओ दरवाज़ा खोल लूँगी, पजामा ऊँचा करो थोड़ा सा, इधर आओ आराम से, गिरना नहीं,
खोलो, जोर लगाओ, पीछे खींचो, हाँ खुल गया, जाओ लाफीज, दरवाज़ा बंद कर देना अमूल खैर हाथ हटा के सही से। चलिए जी यहाँ पे अमूल खैर को लेने आए अहमद। अहमद घर पे लाइट हो तो अम्मी से बोलना इसके कपड़ों पे इस्त्री फेर दें, ठीक है? अच्छा जी यहाँ पे शकील आ गए, बच्चे गए हुए, रियान गया हुआ ट्यूशन, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी वालेकुम सलाम, आपको कुछ कमी नहीं लग रही? कुछ कमी? आप बताएं। रैन ट्यूशन गया हुआ है, उम्र खैर का है? हाँ वैसे कमी ना चुकी ना, वो तो मुझे पता है। उम्र खैर का है? उम्र खैर का है, ऊपर है ये, वही ये जो भी आ गया पार्टी में। अगर रियान आ गया फिर आपको जवाब मिलेगा, रुक जाओ जी, रियान भी आ गया पार्टी करके, आ जाओ। आ जाए सही से, खोले नीचे रख के खोले सब। इस स्टाइल के प्रोडक्ट नहीं है, दिखा, मैं समझती हूँ इस स्टाइल के प्रोडक्ट लेके आ गए, नहीं दिखा, हाँ नहीं इस स्टाइल के नहीं, सही है, तुम तो बोलती कम है। चलो जी लाइव कोल्ड ड्रिंक हमें दे दो थोड़ी सी, बच गई है तो हम पी लेंगे, तो पी लो, ये लो, मदरसे जाने का टाइम हो गया। उम्र खैर कहाँ है? ज़्यादा हो गया टाइम, उम्र खैर मदरसे गई है। उम्र खैर मदरसे गई है? ये रखो, ये रखो, नहीं पार्टी में उम्र खैर तो नहीं गई। उम्र खैर कहाँ है? तुम्हारे साथ तो गई थी, कहाँ है उम्र खैर? नाटक कर रही है सर। उनको भी नहीं पता, वो भी अभी आए। उम्र खैर कहाँ है? झूठ कह रहे हैं। उम्र खैर ना आपको कहाँ है उम्र खैर बता दो, मुझे मुझे उम्र खैर बताओ, आप साथ लेके गए थे उम्र खैर को? नहीं ऊपर नहीं है। ये खाली बर्तन है, इसको भी किचन में रखो, सारे बर्तन ले जाओ अपने, मुझे नहीं पता उम्र खैर कहाँ है, अरे ढूंढो अपनी बेटी को, खुद ढूंढो घर में कहाँ छुपी है, छुपी है कहीं, ढूंढो कहीं छुपी है, ढूंढो देखो कहाँ ढूंढी है, वो खामोश बैठी है कहीं से नजर, आवाज़ भी नहीं आ रही है, ढूंढो उम्र खैर, खड़े होकर ढूंढो शकील कहाँ है, कहाँ गई है वो, नहीं है उस कमरे में भी नहीं है उम्र खैर, रख के आओ ये सब, रख के आओ हैं, कहीं तो होगी, अभी तो पूछ रही हूँ कहाँ है उम्र खैर, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर भी नहीं है, पूछ के आ जाओ, पूछ के आओ, ये रख के जाओ, पहले ये तो रख दो, ये बोतल तो फ्रिज में रख दो, मैंने कहा था बर्तन वहाँ रखो, पूछ के आ रहे हैं, नंगे पैर नहीं जाया करो, चप्पल पहन के जाया करो। उम्र खैर को ढूंढो ना, मुझे क्या पता उम्र खैर कहाँ गई है, नहीं है उम्र खैर, ऊपर नहीं आ रहा है, ना जाओ, पानी लाओ। तू गई कहाँ? पता नहीं, तुम तो छोड़ के चले गए थे ना उसको, तुम तो पार्टी में लेके नहीं गए थे, अब वो कहाँ गई है मुझे क्या पता, जब तुम घूमने जा सकते हो तो वो भी क्यों जा सकती है, इन्हें कहीं घूमने, हाँ वो कहीं घूमने गई है, कमरे में नहीं है, कहीं तो गई है, पानी नहीं का बाबा की खाना पी, अम्मी के साथ गई है वो, अम्मी के साथ गई है, अहमद लेके गया है, छोटी खाला के आ रही थी, अम्मी तो उसको लेके गई है, रुकेंगी वो तो नहीं, आ जाएंगी जब भी तो भेजा मैंने, अरे नहीं ना अम्मी ने रुकेंगी नहीं, जब भी तो लेके गई, अगर अम्मी को रुकना होता तो वो लेके नहीं जाती, रान बैठ के पियो। अच्छा जी यहाँ पे मैंने शकील के लिए चाय तैयार कर ली है, अभी रियान पार्टी से आया तो ये बर्तन अभी लेके आए, ये बस पार्टी वाले बर्तन मुझे वॉश करने हैं, शकील के लंच के, शकील भी लंच लेके आते हैं, वो बर्तन है ये वॉश करने हैं, और यहाँ मैंने गोश्त भी भिगो दिया था, ढक दिया इसको, कोई चीज़ ना जाए बिल्ली बिल्ली ना, तो इसलिए भी खाना भी चढ़ाना है, फिलहाल अभी शकील आए तो इनके लिए बना के दे ली, इनको अच्छा है, दरवाज़ा में कर दूँ किचन का, वरना तो फिर बिल्ली बिल्ली आ जाती, कुछ पता नहीं बिल्ली कहाँ पी सकती है। ये लीजिए शकील चाय, हाँ ये ले जैसे कि यहाँ रख दो, चलो सही आइए, लेके आई उसको नीचे से, कहें उम्र खैर आ चुकी हैं, जाओ लेके उम्र खैर, आ जाओ रियान, रियान छोड़ो, रियान छोड़ो, अस्सलाम वालेकुम,
उस वो अपनी चीजें लाई है ना, आज आप भी पार्टी में गए थे ना, वो भी घूमने गई थी अम्मी के साथ, है ना। आपको छोड़ने मजा आया आपको, छुपके छुपके चली गई थी, बजाऊंगा तो उच्चा चल आई थी गाड़ी में, गाड़ी में अम्मी की गोद में बैठी थी, नहीं आगे बैठी हुई थी जी, तो सोते सोते गिरी तो नहीं, नहीं पजामा तो ऊंचा कर लो चीज है ना यार, आप उसको सुन रही हो, दिखाओ मुझे किसने दिलाई है, अम्मी ने दिलाई है, खुद से तो उतारो जी अम्मी, अच्छा खुद से तो उतारे आप, यहाँ रखिए साइड में उतार के, फिर आके आराम से बैठ के चीज खाइएगा, कपड़ों पे गिरेगी जैली है, हाँ जैली का जूस है, कपड़े गंदे हो जाएंगे सारे, जूस गिरेगा सारे कपड़ों पे। रियान खाना खाओ चलो जी। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग आ गए, दस्तरखान दस्तरखान बिछ चुका है, और दस्तरखान पे आज हमने बनाया है चने की दाल गोश्त, इट्स माय फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है, चने की दाल गोश्त, कीमा हो गोश्त हो मुझे बहुत पसंद है। ये लो रियान रोटी, पराठा चाहिए, पराठा दूँ सुबह का, पूरा पराठा आधा पराठा रखा होगा, सब लोग जूस पिए ज़्यादा, आधा पराठा ये लीजिए, रोटी और ले लेना ठीक है। चले जी उम्र खैर आ जाओ खाना खाना है तो, उम्र खैर, उम्र खैर नहीं आ रही, चलो सही है हम तो खाएं भाई, भी मुझे तो लग रही बहुत तेज़ भूख, और अभी शकील आए नहीं है, शकील शाम में आए थे, चाय वाय पी के चले जाते हैं, रोज़ाना शाम में आ जाते हैं चाय पी के चले जाते हैं। चलो जी खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतुल्लाह। बस यहाँ हो रही है सोने की तैयारी, और यहाँ पे सब दोनों लेट चुके हैं, बस रियान फ्रेश हो जाए, वॉशरूम से फ्रेश होकर आएंगे, रियान भी सोएंगे, मैं भी सोने की तैयारी हूँ, और बस मेरा वीडियो आज का यहाँ तक यहीं तक का था, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें, और आज तक के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।